प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स सीखें सब कुछ एकदम मुफ्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इफ स्टेटमेंट पीएचपी में। तो ये मेरी पिछली वीडियो का कोड है जिसमें मैंने आपको फॉर ईच लूप समझाया था। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो इफ स्टेटमेंट होता क्या है? अगर इसको हिंदी उर्दू में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा अगर बयान। अच्छा, तो ये इफ स्टेटमेंट जो है आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएगा। जैसे पाइथन में होता है, जावास्क्रिप्ट में, तो पीएचपी का जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, सही है? तो आपको इसका सिंटैक्स मैं श्योर हूँ आपको पता होगा, क्योंकि आपने देखा होगा तो आप ये वीडियो देखना है ना। अच्छा, तो इसका सिंटैक्स क्या है? पहले आप इफ़ लिखते हैं, फिर आप दो ब्रैकेट्स बनाते हैं, इसके अंदर आपको जो कोड लिखना था वो आप लिखते हैं। कोड नहीं है, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर ये सच हो तो, या अगर ऐसा हो, सही है? फिर आप दो कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं, ये होता है इफ स्टेटमेंट का सिंपल सा, सही है? तो पहले हम यहाँ पे एक दे देते हैं, सिंपल सा कुछ करते हैं। ये हैंग हो गया है, चलो वापस काम कर रहा है। एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं लैंग्वेज, इक्वल टू कर देते हैं हिंदी, सही है? अब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो पहले मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लैंग्वेज वेरिएबल लिखूँ, तो यहाँ पर जो लिखा होगा, अगर मैं इसके आगे पीछे कुछ ना लगाऊँ तो ये सिंपली होगा अगर लैंग्वेज ट्रू है, समझे आप? अगर लैंग्वेज ट्रू है तो यहाँ पर हम ये रिटर्न कर दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये ना लिखूँ, हिंदी ना लिखूँ, यहाँ पर मैं ट्रू लिखूँ, तो अगर नहीं यहाँ पर, अच्छा हाँ, तो अगर लैंग्वेज ट्रू होगी, मैं ट्रू वाला नहीं, बुलियन वाला ट्रू फॉल्स है, सही है? अगर लैंग्वेज ट्रू होगी तो हम यहाँ पे कर देते हैं, चलें एको ट्रू, सही? ये है बुलियन वायर ट्रू फॉल्स, ये मैंने दिया है इसको, ऐसा स्ट्रिंग पास किया, ये स्ट्रिंग नहीं है, सही है? तो मैं यहाँ पे आके ब्राउजर में रिफ्रेश करूँगा, एक सेकंड, मेरे ब्राउजर हैंग हो गया क्योंकि रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो मैं एक मिनट में आता हूँ, बस रिफ्रेश हो जाए बच्चे। चलिए, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ की तो फ़ौरन लोडिंग का साइन आ तो गया है, पर ये देखें, ये लोडिंग का साइन जो एरर माउस के एरर के पास आ गया, इसका मतलब ब्राउज़र हैंग हो गया है। ये देखें, पूरा हैंग हो गया, एक सेकंड, जैसे मैं पॉज करता हूँ तो काम करने लग जाता है। जैसे मैंने पॉज किया, फ़ौरन यहाँ पर ट्रू लिखा गया, टाइम देख सकते हैं नीचे इसमें आ रहा है फिर भी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, हिंदी करता हूँ बस, तो क्या होगा? इसको स्ट्रिंग बनाना है, तो हिंदी है अगर ये, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, होपफुली हो जाए भी है। जैसे लोड हो रहा है, यहाँ पे आइकन नहीं बता क्योंकि स्टॉप लोडिंग लिखा आ गया है, एक सेकेंड। जैसे पॉज के फौरन शुरू हो गया, आप टाइम देख सकते हैं नीचे, देखें अभी भी टू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सेकेंड, इसको कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, तो हमने बोला अगर लैंग्वेज ट्रू है तो यहाँ पे एको कर दो ट्रू, तो मतलब उसके अंदर कुछ है तो ट्रू हो गया, समझे आप? अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दे देता हूँ अगर, अच्छा यहाँ पर डबल इक्वल में बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, डबल इक्वल का मतलब क्या है, दो इक्वल के साइन है। अच्छा, अगर एक इक्वल लिखते हैं, इसका मतलब समझे, मैंने यहाँ पे लिखा इस, अगर लैंग्वेज इक्वल टू हिंदी है, लैंग्वेज इक्वल टू हिंदी है तो एको ट्रू करो। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि मैं इस वेरिएबल लैंग्वेज के अंदर हिंदी डाल रहा हूँ, एक इक्वल का मतलब ये होता है, ठीक है? अगर मैं डबल इक्वल डाल दूँ तो इसका मतलब होता है कि चेक करो कि ये एग्जैक्टली हिंदी है कि नहीं, डबल इक्वल का मतलब ये होता है, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, सही है? तो अगर लैंग्वेज हिंदी है तो हम अभी ट्रू नहीं प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करते हैं यस, एको करते हैं यस, सही है? वापस आते हैं इधर, अब मैं इधर से रिफ्रेश करूँ, कंट्रोल आर नहीं दबाऊँगा, फिर से वही प्रॉब्लम है शायद, एक सेकेंड। एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि कभी कभी इसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं होती है, सही है? मैं एक मिनट पॉज कर देता हूँ, देखें यहाँ पे यस लिखा आ गया है। अच्छा,
अब आप सोच रहे हो क्या हुआ, बहुत से लोगों को समझ आ भी गया होगा क्योंकि इतना सिंपल, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में सीखो तो यहाँ पे सेम है, सही है। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने बोला अगर लैंग्वेज हिंदी इक्वल है, मतलब लैंग्वेज इज इक्वल इक्वल टू हिंदी, तो एक्वेस करो। फर्स्ट करें अगर आप यहाँ पे लिखते, अगर वो हिंदी नहीं है तो यस प्रिंट करो, तो ये तो हिंदी है। तो अब क्या होगा, चेक करते हैं आ जाए। अगर मैंने क्या बोला यहाँ पे, गौर से देख लें, अगर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मैंने यहाँ पे ये लगाया है एक्सप्लेनेशन मार्क्स, ये शिफ्ट और वन दबाएंगे तो आ जाएगा। अगर ये हिंदी नहीं है तो क्या होगा, चेक करते हैं क्या प्रिंट करेगा आपके हिसाब से, कमेंट डाउन बिलो। रिफ्रेश, 1 सेकेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल जवाब है, मैंने एल्स स्टेटमेंट दी नहीं है। अगर ये हिंदी नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ और नीचे दिया, नहीं तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे। पहले मैं बता देता हूँ, इक्वल डालेंगे मतलब अगर यहाँ पे हिंदी होगा तो ये प्रिंट होगा, और अगर हिंदी नहीं है तो हमें एल्स स्टेटमेंट यूज करना होता है, सही है। एल्स अगर वो हिंदी नहीं है इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे एको करना है, कुछ भी एको कर दें। यहाँ पे आप लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, कुछ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप, फॉर ईच लूप, कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे अंदर इस ब्लॉक के अंदर, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं एको कर दूँ नॉट, अगर लैंग्वेज नॉट इक्वल, देखिए यहाँ पे मैं एक इक्वल का साइन यूज कर रहा हूँ, सही है। इट्स नॉट इक्वल टू, लैंग्वेज इज नॉट इक्वल टू हिंदी, तो एल्स प्रिंट एको। बहुत सिंपल है, जावास्क्रिप्ट में भी सेम ऐसे ही होता है। अच्छा 1 सेकेंड, मुझे फिर से पॉज करना पड़ेगी वीडियो। तो यहाँ पर ये एरर आया है, सेंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड क्लोज हो रहा है ये ब्रैकेट जो है, तो ये क्यों है, आपने नोट कर लिया होगा, ये मैंने कॉलन नहीं डाला था यहाँ पे, सेमी कॉलन जो भी होता है ये। मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा, 1 सेकेंड, फिर से पॉज भी करूँगा, और इसने प्रिंट कर दिया नो। सिंपल है बहुत भाई, मैं एल से फ्यूज करना सिखाऊंगा आपको, समझे। अगर ये हिंदी नहीं है तो मुझे चेक करना है कि, 1 मिनट चले, समझे, लैंग्वेज को मैं कर देता हूँ इंग्लिश कर देता हूँ, सही है। और लैंग्वेज इज इक्वल इक्वल टू हिंदी पर एक्वायर्स, अगर वो हिंदी नहीं है तो मुझे एल्स, एक मुझे चेक करना है कि वो समझे, एस लैंग्वेज लैंग्वेज इज इक्वल टू, कहीं वो उर्दू तो नहीं है, समझ रहे आप। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैंने एल्स लिखा, फिर मैं इफ लिख दिया, सिंपल है। फिर नीचे जैसे कर्ली ब्रैकेट्स आप बनाते वैसे बना देते, सेम वैसे ही। अब इधर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कर देते हैं, अगर उर्दू है तो उर्दू, सही है, यहाँ पे हिंदी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले चेक करेगा कि हिंदी है कि नहीं लैंग्वेज, अगर वो हिंदी नहीं है तो एल्स पे आएगा, एल्स चेक करो कि उर्दू है कि नहीं, समझे। वो उर्दू भी नहीं है तो ये क्या करेगा, एल्स एको कर देगा, एको कर देते चलें इंग्लिश। ये एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप एक साथ 3 एल्स इफ यूज कर सकते हैं। तो मैं अब एल्स इफ लगाता हूँ कि चेक करो कि कहीं कहीं लैंग्वेज इंग्लिश तो नहीं है भाई, लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश। अच्छा मैं देन से कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ, फिर एको करूँगा, इंग्लिश कर देते हैं चलें। अच्छा अब इसके नीचे मैं आपको एल्स स्टेटमेंट यूज करके देता हूँ, एल्स एको नन। अच्छा तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज को कर देता हूँ अरबिक कर देते हैं, लैंग्वेज अरबिक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एको कर देते हैं लैंग्वेज को ही, यहाँ पे एको लैंग्वेज को ही कर देते हैं, नहीं चले डन कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है, काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे, पहले हमने एक वेरिएबल समझे डेटाबेस से आ रहा है, तो उसमें कोई हमें लैंग्वेज दी हुई है यूज़र की, सही है। तो पहले चेक करिए कि लैंग्वेज कौन सी आ रही है डेटाबेस से, पहले चेक करिएगा कि लैंग्वेज हिंदी इक्वल तो नहीं है, अगर लैंग्वेज हिंदी है तो एको हिंदी कर देगा। फिर वो चेक करेगा अगर हिंदी नहीं है तो चेक करेगा कि लैंग्वेज उर्दू तो नहीं है, अगर उर्दू होगी तो उर्दू एको कर देगा। फिर से चेक करेगा कि अगर उर्दू नहीं है तो चेक करेगा कि लैंग्वेज की इंग्लिश तो नहीं है,
और अगर वो लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं है तो फिर चेक, फिर वो ये नॉन एको कर देगा, समझ रहे हैं? तो अगर हमारी गिवन लैंग्वेज में कोई लैंग्वेज वो नहीं है यूजर की लैंग्वेज, तो वो एको कर देगा नन। शुरू से शुरू करते हैं, किसी को नहीं समझ आए तो हम पहले चेक करें कि हमारी लैंग्वेज कौन सी है। अगर मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो वो हिंदी एको कर देगा, अगर वो हिंदी नहीं है कोई और लैंग्वेज है तो चेक करेगा कि लैंग्वेज उर्दू तो नहीं है, अगर वो लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू एको करेगा, अगर उर्दू नहीं है तो वो फिर से चेक करेगा कि वो लैंग्वेज कोई इंग्लिश तो नहीं है, अगर वो इंग्लिश नहीं है तो वो यानी अगर वो इंग्लिश है तो एको इंग्लिश कर देगा, अगर वो इंग्लिश नहीं है तो वो एको करेगा नहीं। तो इसको सेव करते हैं, अब अपनी लॉजिक को टेस्ट करते हैं। एक मैं पॉज कर देता हूँ ये, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम का भी। अच्छा ये अच्छा देखिए, यहाँ पे नन लिखा आ गया है। मैं एक और चीज़, मैं यहाँ पे लैंग्वेज को कर देता हूँ, समझें इंग्लिश कर देता हूँ, इंग्लिश कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर भी हैंग हो गया था, पता नहीं क्यों मेरा लैपटॉप बड़ा स्लो चल रहा है आज। अच्छा तो एनी हाउ, अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश लिखा हुआ आ गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी कितने मिनट में आपको समझा दिया, तकरीबन 11 मिनट में पूरा मैं समझा दिया। जो लोग आपको इफ की अलग वीडियो बना के दिखाते हैं, इस प्रॉब्लम ब्लॉक की, फिर एल्स की वीडियो बना के दिखाते हैं कि एल्स कैसे, इफ और एल्स को कैसे एक साथ यूज़ करते हैं, फिर सिखाते हैं कि इफ और एल्स, इफ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं, फिर उसके इन सबको कैसे, मतलब इन सबको लोग 3-4 वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में समझाते हैं। मैंने आराम से 10 मिनट के अंदर आपको समझा दिया। अगर फिर भी ना समझ आए मुझे बताएं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। आप मुझे जो बोलेंगे, मैं कोई भी टॉपिक आपको PHP के हवाले से सिखा सकता हूँ, या फिर जावास्क्रिप्ट में ये अच्छी है, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ जावास्क्रिप्ट में, JQuery ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मैं। पाइथन भी मुझे आती है, पाइथन सिखा सकता हूँ। आजकल मैं डार्ट सीख रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनानी तो मुझे बोल दो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कुछ और अगर आपको सीखना हो PHP में, कोई और फंक्शन, कोई मतलब फंक्शन सीखना हो, लूप सीखना हो, डू और वाइल, कुछ भी सीखना हो मुझे बता दें, मैं ज़रूर सिखाऊंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको किसी दोस्त को कोड करना सीखना है तो। चलें मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक लिए बाय बाय। कोड करो और साथ में सब्सक्राइब करो।